यूथरीज के डिजिटल ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भीम सिंह है और मैं आज आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेट मीन्स होता है संचालित करना, चलाना, एंड सिस्टम होती है प्रणाली चलाने का तरीका। तो कंप्यूटर में आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को किस किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सर्वर होता है, डॉस होता है, विंडो होता है। सर्वर होता है एक नेटवर्क होता है जिसमें हम सभी कंप्यूटर को जोड़ के उनको ऑपरेट करते हैं। एंड डॉस एक बहुत ही पुराना हमारा एक मॉडल होता है जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो ब्लैक स्क्रीन और वाइट कलर के टेक्स्ट टाइप होते थे। उसमें सिर्फ कमांड के द्वारा ही कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आई है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से वर्जन आए हैं और लेटेस्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो करंट में अभी हमारे पास विंडो 8 आई हुई है, ठीक है। इससे पहले हम यूज़ करते थे विंडो 98, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, इसके बीच में विस्टा एंड क्रिस्टल भी आई थी। बट अभी हम जो लेटेस्ट यूज़ करते हैं वो 7 और 8 यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग, जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, इट मीन्स विंडो को ऑपरेट करते हैं, विंडो स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है हमारा? बूट होता है। बूट क्या होता है? कंप्यूटर में जो बूट है वो विंडो की फाइलों को स्टार्ट करता है। जो बूट है वो कंप्यूटर में दो प्रकार के होते हैं। तो बूट होता है कॉल बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कॉल बूटिंग क्या होती है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे विंडो को फाइलों को जो स्टार्ट होती है उनको हम वो कॉल बूटिंग कहेंगे। एंड वार्म बूटिंग, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और विंडो लोगो पे आने के बाद वेलकम पे कुछ सेकंड के लिए रुकना, वो हमारी वार्म बूटिंग होती है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, कॉल बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। इन बूट प्रक्रिया के बाद हमारे पास एक यूजर्स आता है। यूजर्स क्या होता है? यूजर एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें हम कंप्यूटर में अपना पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो हम अपना यूजर कंप्यूटर में अलग बना सकते हैं ताकि हमारी फाइलें सेफ रहे और उन फाइलों को कोई चेक नहीं कर पाए। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? यूजर बनाते हैं। उन यूजर के अंदर एक सिक्योरिटी कोड होता है। नेक्स्ट, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट इंटरफेस हमारा कंप्यूटर के अंदर ये स्क्रीन होती है। तो ये स्क्रीन, इसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर में फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। नेक्स्ट होता है एक एरो होता है जिसे हम माउस पॉइंटर कहेंगे। थर्ड होता है हमारे पास सबसे नीचे टास्क बार पे जितनी भी हमारी फाइलें या विंडो ओपन होती है वो हमारी टास्क बार पर शो कराती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम स्टार्ट बटन के द्वारा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आइकन्स, जो स्क्रीन पे छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं। तो आइकन्स क्या होते हैं? द सम स्मॉलेस्ट पिक्चर्स आर डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड आइकन। कि स्क्रीन पे छोटी छोटी पिक्चर जो दिखाई देती हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं। तो आइकन्स कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ आइकन, आइकन 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम आइकन, सिस्टम हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके जो आइकन्स होते हैं उनको हम सिस्टम आइकन कहते हैं। जैसे कि माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, यूजर फाइल, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, ये सारे हमारे सिस्टम आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन आइकन होता है, ये हमारे ऐप आइकन होते हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऐप हमारे बहुत सारे आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन हमारा सिस्टम आइकन और एप्लीकेशन आइकन दोनों का शॉर्टकट बनना, जिसका एक सिंबल होता है शॉर्टकट आइकन का, ये ब्लैक कलर में स्क्रीन पे दिखाई देगा जिसे हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। और ये शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम और एप्लीकेशन आइकन को मिलके बनते हैं, ठीक है। जो हमारी ओरिजिनल फाइलें होती हैं, चाहे वो सिस्टम की हो या एप्लीकेशन की, जो फाइल हमारी सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर होती है उस फाइल का हम शॉर्टकट बनाकर स्क्रीन पे डाल देते हैं, वो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और
आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें बता दें, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।